नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी संगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25th of November 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए एंड तक इसको जरूर देखिएगा। और इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हेडलाइंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आज हम कवर करेंगे सुमित्र चरत राम अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज वीक के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड फिशरीज डे के बारे में पढ़ेंगे, नसीम अल बहार 2022 के बारे में पढ़ेंगे और शत्रुनाश के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज है, सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज़ दोस्तों बिना किसी देरी के आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। ये रही आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एनआरआईज एट इट्स गिफ्ट सिटी ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआईज के लिए, ठीक है, एनआरआईज के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात में दो प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसी कोई बैंक है जिसने ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गिफ्ट सिटी में, पहली बार तो ये बता दूं मैं। और वो दो प्रोडक्ट्स के नाम है दोस्तों, एक तो एलईडी जो होता है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, और एक है आपका डॉलर बॉन्ड्स। तो इनके बारे में क्या है, ये पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट क्या है, तो एलईडी रिजेंबल्स अ लोन इन फॉरेन करेंसी अगेंस्ट अ डिपॉजिट इन इंडिया, राइट। तो इंडिया में जो उनका डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट उनको लोन मिल सकता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, इंक्लूडिंग रुपी एनएडी एफडीज। द कस्टमर कैन अवेल एलईडी फॉर देयर शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट विदाउट हैविंग अ प्री मैच्योर क्लोज ऑफ देयर टर्म डिपॉजिट, राइट। तो कोई भी अगर छोटे समय के लिए उनको अगर पैसों की जरूरत है तो वो एलईडी ले सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर अपने जो इंडिया में डिपॉजिट किए गए पैसे हैं उनके, उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी में वो लोन यहाँ पर ले सकते हैं विदाउट इवन प्री मेच्योरली क्लोज देयर टर्म डिपॉजिट। 95% तक अपना डिपॉजिट वैल्यू वो अवेल कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस लगेगा, और यहाँ पर जो टेन्योर है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर रहेगा, मतलब इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये होता है एलईडी। एलईडी का मतलब होता है इंडिया में जो उनका पैसा है उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी में चाहे या फिर इंडियन करेंसी में चाहे वो लोन ले सकते हैं, ठीक है, अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वही होते हैं डॉलर बॉन्ड्स, इट इज एन ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर एनआरआईज वेयर दे कैन बुक डॉलर बॉन्ड्स थ्रू आईसीआईसीआई बैंक इन गिफ्ट सिटी एंड द बैंक ऑफर्स अ कोहोर्ट ऑफ ओवर 50 मार्की इश्यूअर्स कंपनीज ऑफ दीज बॉन्ड्स, राइट। तो सिंपल बात है, ज्यादातर यहाँ पर यूज होता है एलईडी ही होता है, ये मैं बता दूं आपको। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट यहाँ पर पूछ सकता है कौन सी बैंक है जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार इंडिया का ऐसा एनआरआई सिस्टम निकाला है जहां पर दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए लोन को लेकर। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी इंडिया का, ये आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो अमंग द फॉलोइंग विच बैंक रिसेंटली लॉन्चेज न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एनआरआईज एट इट्स गिफ्ट सिटी ब्रांच, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, और करेक्ट आपको पता ही है दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन, उसका हेडक्वार्टर और एमडी सीईओ का नाम दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टैट्स पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर टू के ऊपर। न्यूज नंबर टू हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है 19 से लेकर 25 नवंबर तक। तो डिपार्टमेंट फॉर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेरिटेज वीक कमेंसिंग फ्रॉम 19th of November to 25th of November। द वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ट्रेडिशंस एंड कल्चर। द वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज सेलिब्रेटेड बाई यूनेस्को एंड सेवलर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन इंडिया द वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज सेलिब्रेटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। तो
तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो 19 से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, राइट। मतलब जो कल्चर है और जो हेरिटेज है इंडिया का, उसको किस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाए दोस्तों, कंजर्व करके रखा जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहता है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक है सेलिब्रेट किया जाता है सर दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम हमें यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी। इस पर आपका दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम डैश टू डैश, दैट इज योर 19 to 25th ऑफ नवंबर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व ऑन 21st ऑफ नवंबर, क्या है ये, तो वर्ल्ड फिशरीज डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ नवंबर। दिस डे इज डेडिकेटेड टू हाईलाइटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी ओशियंस इकोसिस्टम एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑल्सो एक्सपोज फाइंडिंग सोल्यूशंस टू द इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टू फॉलो सस्टेनेबल मॉडल्स टू और ऑफ आवर ओशन इकोसिस्टम वाइल सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड फिशरीज डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, 21 नवंबर को, और 21 नवंबर को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हेल्दी ओशंस रहे, इकोसिस्टम हेल्दी रहे, और यहाँ पर सिंपल बात ये है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतने बेटर यहाँ पर क्या होंगे, सॉल्यूशंस हम फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन आप लोगों का कैसे बन सकता है, तो वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर ऑन डैश, द करेक्ट विल बी योर 21st ऑफ नवंबर। दोस्तों अगर कोई थीम रहती ना तो थीम पर भी क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे आपने पहले पैटर्न देखा होगा करेंट अफेयर्स के सेशन में, अगर कोई इंपॉर्टेंट डे पर थीम रहती है तो थीम पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं डेट के बजाय, राइट। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। कथक एक्सपोनेंट उमा शर्मा रिसीव्स सुमित्र चरत आराम अवार्ड, राइट। तो यहाँ पर कथक की एक्सपोनेंट डॉक्टर उमा शर्मा उन्होंने रिसीव किया प्रेस्टीजियस अवार्ड जिसका नाम है सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। She is a renowned classical dancer who has been awarded Padma Shri and Padma Bhushan for her unique contribution to the culture and tradition of this country. She received the award from former governor of Jammu and Kashmir Karan Singh and Sarod player Ustad Ajmat Ali Khan in a ceremony organized by Kamani Auditorium in Sri Ram Bharati Kala Kendra SBKK, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग कि कथक की बहुत ही जानी मानी शख्सियत डॉक्टर उमा शर्मा, इन्हें सुमित्र चरत आराम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रेस्टीजियस अवार्ड है। इन्होंने क्लासिक डांसर होते हुए पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी दोस्तों जीते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के करण सिंह, उनके द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है। और सरोद प्लेयर, जो सरोद है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके प्लेयर थे उस्ताद अजमत अली खान, वो भी इनको यहाँ पर रिकग्नाइज या ऑर्गेनाइज, मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रेस्टीजियस अवार्ड इनको दे चुके हैं, राइट। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज रिसीव द प्रेस्टीजियस सुमित्र चरत अवार्ड इन रिकग्निशन फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डांस रिसेंटली, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी योर उमा शर्मा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। गौतम बोराज न्यू बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन लॉन्च्ड बाय रस्किन बॉन्ड, राइट। तो गौतम बोरा अ सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड द ऑथर ऑफ वाइडली अक्लेम्ड बुक मोनेटाइजिंग इनोवेशन लॉन्चेस हिज न्यू बुक Nalanda until we meet again. The book was launched by legendary writer Ruskin Bond. With his new book, Gautam delivers movies like experience and include action, adventure, romance, passion, grit and institutions on mystery. सिंपल बात है, जॉ ड्रॉपिंग बेसिकली यहाँ पर रेस लगी हुई आजकल, सबको आपको पता ही है मिस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट और आज की यूथ में काफी मानी जाती है। मतलब कोई मूवी हो, जैसे कोई मिस्ट्री मूवी हो तो ज्यादा चलती है आजकल बेसिकली, तो वही बुक के साथ भी है। तो यहाँ पर नालंदा अंटिल वी मीट अगेन जो है वो लॉन्च की गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो ये इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो रिसेंटली रिलीज बुक Nalanda Until We Meet Again was authored by who among the following, correct will be your Gautam Bora, लेकिन ये लॉन्च किया गया रस्किन
बॉन्ड के द्वारा, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दानिश मंजूर भट्ट ऑनर्ड विद जयपुर फुट यूएसए'स फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों दानिश मंजूर भट्ट ओरिजिनली हेलिंग फ्रॉम कश्मीर वैली वॉज ऑनर्ड विद जयपुर फुट यूएसए'स फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिस वीक एट अ सेरेमनी हेल्ड एट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड इन द इंडियन हाई कमीशन न्यूयॉर्क बाय कंसुल जनरल रणधीर जायसवाल आईएएस प्रेम भंडारी एंड चेयरमैन जयपुर फुट यूएसए, राइट। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि दानिश मंजूर भट्ट को ऑनर किया गया है जयपुर फुट यूएसए का पहला ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, इससे आपको और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, ये है आपकी न्यूज। और इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं बता दूं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद जयपुर फुट यूएसए फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इन नवंबर 2022 एट सेरेमनी हेल्ड एट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क। करेक्ट विल बी और दानिश मंजूर भट्ट, दानिश मंजूर भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते न्यूज नंबर 7 के ऊपर। न्यूज नंबर 7 यहाँ पर हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये हम देखेंगे। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है यूनेस्को का इंडिया अफ्रीका हैकथन 2022, राइट। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथन 2022 एट द गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा यूपी। The hackathon has been organized by the Union Ministry of Education and students from 22 African countries are participating in the hackathon. The UNESCO India Hackathon event is seeing participating 603 students who will engage in coding for 36 hours non-stop to find technology-based solutions for issues prevailing in the field of education, agriculture, हेल्थ, एनर्जी एंड ड्रिंकिंग वाटर अमंग अदर्स, राइट। तो यहाँ पर 36 घंटे तक कम से कम 603 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे दोस्तों। और जो एडुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी और ड्रिंकिंग वाटर के फील्ड में जो इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकली वो उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर दोस्तों 22 अफ्रीकन कंट्री से यहाँ पर बच्चे आए हैं, 603 बच्चे, आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसके बारे में और ज्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो UPCM also invited participating African students to travel to ancient cities like Varanasi, Prayagraj, Ayodhya and other in the state. Students from Botswana, Cameroon, Estuani, Ethiopia, Guinea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya और कहाँ कहाँ से नहीं आए, मतलब आप देख पा रहे हो पूरी यहाँ पे मैंने लिस्ट आपको दे रही है, जिम्बाब्वे, युगांडा, टोगो, तंजानिया, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, राइट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों का, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स द यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथन 2022, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड करेक्ट विल बी योर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। फ्रैंक मैसुलम योंग गेट्स यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर 2022। तो यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस फॉर दिस 2022 एडिशन हैज बीन गिवन टू फ्रैंका मैलिया सुलम योंग फ्रॉम कैमरून, प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओस फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिव यूथ अफ्रीका, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है आपका मदनजीत सिंह प्राइज से फॉर द टॉलरेंस एंड द नॉन वायलेंस। ये सिंपल है, सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल न्यूज हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड में इसको याद रखना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज हैज बीन गिवन टू फ्रांस मालियम सुलेम योंग ऑन कैमरून फॉर योर, आपको पता है, प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, आप सिर्फ इसका मेथड याद रख लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा डेप्थ में इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका। नेक्स्ट चलते नाइन्थ नंबर के ऊपर, न्यूज नंबर 9 के ऊपर। गूगल ऑनर्स अमेरिकन जियोलॉजिस्ट मैरी थार्प विद इंटरैक्टिव डूडल ऑन हर लाइफ, राइट। तो आपको पता है गूगल डूडल के बारे में, तो मैरी थार्प का यहाँ पर क्या बना दिया, डूडल बना दिया है, राइट। तो गूगल इज पेइंग ट्रिब्यूट टू अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड ओशनोग्राफिक कार्टोग्राफर मैरी थार्प हु हेल्प प्रूव थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट and she also published the first world map of ocean floors. On November 21, 1998, Library of Congress named Mr. Tharp one of the greatest cartographers of the 20th century. The Google Doodle features an interactive biography of Mrs. Tharp, right? So, वो doodle मुझे आपको जरूर दिखाना चाहिए कुछ इस प्रकार का, ये है।
ये है आपकी थाट। और दोस्तों इनके पूरी लाइफ पर यहाँ पर डूडल, गूगल डूडल बनाया गया, एक बहुत अच्छी, पता है बहुत सम्मानित बात है ये गूगल डूडल, एक बहुत दोस्तों आजकल के टाइम में मतलब बोलो ऑनर्ड चीज हो गई है, राइट। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रोमिनेंट वेमेन है, 3 प्रोमिनेंट वेमेन, लार्सन नेसल और डॉक्टर तियारा मूरे, राइट, एक्टिवली कैरिंग ऑन द मैरी थाप्स लेगेसी बाय मेकिंग एडवांसमेंट इन द टिपिकली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स ऑफ ओशन साइंस जियोलॉजिकल प्रोवाइड नरेशंस ऑफ अ स्टोरी, राइट। नाम ध्यान रखिएगा मैरी थार्प। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो गूगल इज पेइंग ट्रिब्यूट टू अमेरिकन जियोलॉजिस्टिक एंड ओशनोग्राफिक कार्टोग्राफर डैश हु हेल्प प्रूव द थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, करेक्ट विल बी योर मैरी थार्प। नेक्स्ट चलते दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर, न्यूज नंबर 10 के ऊपर, एक्सिस बैंक लॉन्चेस नॉलेज समिट इवॉल्व फॉर एमएसएमईज। एक्सिस बैंक हैज लॉन्च द 7th एडिशन ऑफ इवॉल्व फॉर एमएसएमईज विद द थीम ऑफ इंडियन एसएमईज शिफ्टिंग गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन टू बिल्डिंग इंडियन एसएमईज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एसएमईज इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वेयर सम ऑफ द अदर की थीम्स आर एट लॉन्च, राइट। सेकेंड 7th एडिशन है ये दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसका थीम दिया गया है जो आपको याद करना पड़ेगा, और ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सिस बैंक, राइट। तो ये बेसिकली इवॉल्व करने के लिए है यहाँ पर, और मेजर एरियाज का फोकस करेगा टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द मार्केट प्रेजेंस ऑफ एमएसएमईज। जो भी दोस्तों मिड स्मॉल आपकी जो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना और उनकी प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये यहाँ पर इसका क्या है दोस्तों मोटो है, और इस पर आपकी थीम बनी है। और ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्चेस 7th एडिशन ऑफ नॉलेज समिट इवॉल्व फॉर एमएसएमईज, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सिस बैंक, राइट। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों डिटेल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिस्प अप्रोच और डिटेल स्टडी करवाने की कोशिश की गई है। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ इसे शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स रिलेटिव्स और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले दोस्तों मिल जाए, ठीक है। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।